नमस्कार। मॉरिशस में आज से शुरू हो रहा 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 20 अगस्त तक चलेगा और ये पहला मौका है जब विश्व हिंदी सम्मेलन में किसी देश को एक सहभागी देश बनाया गया है। सम्मेलन की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के साथ होने जा रही है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं मॉरिशस। दन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं रातदीप नमोऽस्तु ते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदा दुष्टबुद्धि विनाशाय दीपो ज्योतिर्नमोऽस्तुते। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृषश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो आरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। धन्यवाद। मॉरिशस के प्रधानमंत्री माननीय श्री प्रवीण जगन्नाथ जी, भारत की विदेश मंत्री माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, मॉरिशस के उप प्रधानमंत्री माननीय श्री आइवान कोलान डुवेलू जी, मॉरिशस के मिनिस्टर मेंटर श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी, मॉरिशस के विदेश मंत्री माननीय लक्ष्मी नारायणू जी, मॉरिशस के शिक्षा मंत्री माननीय श्रीमती लीला देवी दुकान लक्ष्मण जी, गोवा की राज्यपाल माननीय श्रीमती मृदुला सिन्हा जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री कृष्णनाथ त्रिपाठी जी, भारत के विदेश राज्य मंत्री माननीय जनरल वी के सिंह जी और माननीय एम जे अकबर जी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की सचिव पूर्व श्रीमती प्रीति सरन जी तथा इस सभागार में विश्वभर से पधारे विद्वज्जनों और हिंदी प्रेमियों, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तथा मॉरिशस सरकार के सहयोग से आयोजित इस 3 दिवसीय 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। राष्ट्रगान हमारी राष्ट्र चेतना की रागात्मक अभिव्यक्ति है तो दीप प्रज्वलन हमारी सांस्कृतिक चेतना का आयाम। दीप अंधेरे से उजाले की आकांक्षा का प्रतीक है। हमारे यहाँ कहा गया है अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। आइए दीप प्रज्वलन से इस सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ करें। मैं भारत की विदेश मंत्री माननीय सुषमा स्वराज जी एवं मॉरिशस की शिक्षा व मानव संसाधन तृतीयक शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री माननीय श्रीमती लीला देवी दुखन लक्ष्मण जी से दीप प्रज्वलन का निवेदन करती हूँ। हमारे बीच माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी भी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। Ladies and gentlemen, we are proceeding with the lighting of the lamp by the Minister of External Affairs India, Honorable Shrimati Sushma Swaraj ji, and Minister of Education and Human Resources, Honorable Shrimati Leela Devi Dukhan Lachman ji.
दिगंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो ग्रंथि प्रचोदयात्। ओम दीपो ज्योतिर्परब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापम प्रातः दीप नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योतिर नमोस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो आरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ॐ द्यावू शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथिवी शांति रापह शांति रोखदयह शांति वनस्पतयह शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। आइए अब हम सब ज्ञान की देवी सुबुद्धि की देवी सरस्वती की वंदना करें जो सृष्टि भी है और सृष्टि की नित नई प्रस्तुति भी है। प्रस्तुत है सरस्वती वंदना। संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय छात्राओं को हार्दिक धन्यवाद। अब महात्मा गांधी संस्थान के कलाकार संगीतकार एवं छात्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी गान। महात्मा गांधी संस्थान में
हिंदुस्तानी संगीत की प्राध्यापिका डॉक्टर श्रीमती अनीता शिव गुलाम जी की रचना है। संगीत संयोजक हैं श्री अरविंद जोधन जी। आइए रसास्वादन करें वृंद गान। वृंद गान विल बी प्रेजेंटेड बाय द आर्टिस्ट्स, लेक्चरर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ द महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट। अ सॉन्ग रिटन बाय डॉक्टर मिसेज अनीता शिव गुलाम, सीनियर लेक्चरर इन वोकल हिंदुस्तानी। द म्यूजिक कंपोजिशन इज बाय श्री अरविंद जोधन जी। प्यारे दर्शकों, विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 इसका उद्घाटन आज शुरू हो रहा है 18 से 20 अगस्त तक। और इसकी शुरुआत हुई थी दीप प्रज्वलन के साथ। हमारे देश के महानुभावगण यहाँ पे आए हुए थे और दीप प्रज्वलन उन्होंने किया समारोह। और उसके बाद संस्कृत भाषा में कई मंत्र हमने सुने, स्तुति भी सुनी। और अब महात्मा गांधी संस्थान के कलाकारों द्वारा चले एक सुंदर गान सुनते हैं और साथ ही साथ इसका आनंद भी उठाते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन है, विश्व हिंदी सम्मेलन अर्थात हिंदी उच्च स्तर पर आ गए हैं जहाँ पर उनको मान्यता हम देने वाले हैं। चलिए इस कार्यक्रम का साथ में लाभ उठाते हैं। प्रेमी भी ध्वज अखिल विश्व से आए हिंदी।
अभिव्यक्ति की भाषा नहीं है। हिंदी एक राष्ट्र, एक सभ्यता, एक संस्कृति है। हिंदी के विकास का मतलब है एक मौलिक सभ्यता का विकास, एक मौलिक संस्कृति का विकास, एक राष्ट्र का विकास। हिंदी को विश्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलन की संकल्पना की गई थी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के नागपुर में 1975 को संपन्न हुआ था और भारत के नागपुर से शुरू ही विश्व हिंदी सम्मेलन की यात्रा का यह 11वां पड़ाव है। इस 11वें पड़ाव पर विचार मंथन के लिए बहुत ही सार्थक विषय को चुना गया है। विषय है विश्व हिंदी और भारतीय संस्कृति। कई शताब्दियों का सफर तय कर, विकास की अनेक मंजिलें पार कर, नए स्रोतों से शक्ति संचित करते हुए हिंदी आज के युग में भी समृद्ध हो रही है। हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय क्षमता का विकास नए विश्वग्राम की मांग है। विश्व स्तरीय चिंतकों का मानना है कि इस वैश्विक संसार को अगर कोई राह दिखा सकता है तो वो है भारतीय संस्कृति। लेकिन विश्व भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण उपादानों से तभी लाभान्वित होगा जब हिंदी भाषा का विस्तार होगा, क्योंकि संस्कृति का सत्य और सातत्य भाषा में जिंदा रहता है। संस्कृति का दर्शन और अंतर्ज्ञान भाषा में ठल कर आता है। इस विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर विशेष लोगो तैयार किया गया। इस लोगो का डिजाइन तैयार किया
इंदौर के श्री रुचित ने। यह लोगो विश्व हिंदी सम्मेलन की केंद्रीय भावना का व्यंजक भी है और मॉरिशस और भारत की मैत्री का परिचायक भी। इस लोगो पर एक एनिमेशन फिल्म का भी निर्माण किया गया जिसकी परिकल्पना प्रख्यात व्यंगकार श्री अशोक चतुर्थ की थी। आइए एनिमेशन फिल्म को देखते। प्रस्तुत है लोगो पर निर्मित एनिमेशन फिल्म। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल नाउ प्रेजेंट एन एनिमेशन फिल्म ऑन द लोगो ऑफ द 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। मोर है भारत का और मॉरीशस की डोडो। नहीं नहीं, एक और एक 11। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस 18 से 20 अगस्त 2018। सौंदर्य एवं कलात्मकता से पूर्ण लोगो पर एक एनिमेशन फिल्म। देवियों एवं सज्जनों, अब स्वागत भाषण के लिए मैं शिक्षा व मानव संसाधन, तृतीयक शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री माननीय श्रीमती लीला देवी दुखन लक्ष्मण जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ। आई काइंडली रिक्वेस्ट द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, टर्शरी एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, हॉनरेबल मिसिज लीला देवी दुखन लक्ष्मण फॉर द वेलकम एड्रेस। मॉरिशस के प्रधानमंत्री माननीय प्रवीण कुमार जगनाथ जी, भारत की विदेश मंत्री और हम सभी की बहुत ही प्रिय माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, मॉरिशस की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ एनर्जी श्री आइवन लेस्ली कुलांदियावेलू जी, मेंटर मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर फॉर रोड्रिग्स, राइट ऑनरेबल सर अनिरुद्ध जगनाथ जी, मॉरिशस की वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मिसेस फाजिला जीवादुरियाओ जी, लोकल गवर्नमेंट एंड आउटर आइलैंड्स के मिनिस्टर आदरणीय श्रीमती मृदुला सिन्हा जी, गोवा की राज्यपाल आदरणीय श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल, my colleagues ministers from Mauritius, honorable ministers of state from India, honorable general Dr. VK Singh, minister of state for external affairs, honorable Sri Kiran Rijiju, minister of state for home affairs, honorable Sri Akbar MG Akbar, minister of state for external affairs, honorable Sri Satyapal Singh ji, Minister of State for Human Resource Development, Honorable Shri Ram Bilas Sharma ji, Minister of Education and Tourism, Government of Haryana, Honorable Shri Prakash Pant, Minister for Bhasha Vibhag, Government of Uttarakhand, members of the Diplomatic Corps, Honorable members of the National Assembly of Mauritius, Vishwa Hindi Sammelan ke liye Mauritius padhare hue sabhi mehmano, sabhi Hindi premiyon, behno aur bhaiyon, नमस्कार और स्वागतम। आज जब हम हिंदी के इस सबसे बड़े सम्मेलन की शुरुआत कर रहे हैं, तभी पूरी दुनिया भारत के एक बड़े नेता और हिंदी के एक बड़े कवि, एक अटल सेवक श्री अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु का शोक मना रही है। उनके जाने से भारत ने एक मार्गदर्शक और हिंदी ने एक सैनिक खो दिया। इसलिए आज सबसे पहले मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूं और भारत सरकार, श्रीमती स्वराज जी और उनके डेलीगेशन के प्रति
अपनी संवेदना प्रकट करती हूँ। आज इस मंच से मुझे श्री वाजपेयी जी द्वारा यूनाइटेड नेशंस में दिया गया हिंदी भाषण याद आ रहा है और मेरे मानना है कि अगर वो यहाँ पर थे, इस सम्मेलन को देखकर बहुत खुश होते और यही चाहते ही कि हम जिस उत्साह के साथ इसके आयोजन में लगे थे उसी उत्साह के साथ इसको पूरा करें। इसलिए भाइयों और बहनों, आज हम जितनी भावना के साथ वाजपेयी जी को विदा कर रहे हैं उतने ही उत्साह के साथ मैं आप सभी हिंदी प्रेमियों का, विद्वानों, लेखकों, संस्थाओं का स्वागत करती हूँ जो दुनिया के अलग अलग कोने से मॉरिशस में हिंदी की इस उत्सव में भाग लेने आए हैं। श्रीमती स्वराज जी और उनके साथ भारत से आए सभी डेलीगेट्स अपने साथ जितना अपनापन लेकर हमारे बीच आए हैं उनको मैं कहूँगी कि हिंदी के इस देश में, आपके अपने घर में आपका स्वागत है। मॉरिशस के हिंदी विद्वान, लेखक, छात्र और सभी हिंदी प्रेमी जो आज यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं और उससे कहीं ज़्यादा जो इस समय अपने टेलीविज़न पर हमको देख रहे हैं, मॉरिशस की पूरी जनता की ओर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस के लिए सौभाग्य के साथ साथ सम्मान की भी बात है। आज इसलिए मैं आरंभ में ही इस पूरे आयोजन में भारत सरकार और खासकर श्रीमती सुषमा स्वराज जी की सहयोग के लिए धन्यवाद देना करना चाहूँगी। ये दोनों देशों के लिए एक अनोखा मौका है जब हम अपनी सजा विरासत की प्रगति में योगदान दे सकेंगे। इस सम्मेलन से दुनिया भर के हिंदी प्रेमियों की बहुत आशाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसका आयोजन हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन दोनों देशों के विश्वास के साथ आगे बढ़े हैं कि आज हमारे उद्देश्य हमारी चुनौतियों से कई गुना बड़ा है। हमारे उद्देश्य हैं कि साथ मिलकर दुनिया भर में हिंदी की प्रगति के लिए काम करना और हम सब की भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उचित स्थान दिलाना। मुझे खुशी है कि हम सभी इस सम्मेलन के जरिए अपने उद्देश्यों की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठा पाएंगे। देवियों और सज्जनों, भारत की तरह ही मॉरिशस भी अनेक रंगों से सजा एक खूबसूरत इंद्रधनुष है। हमारे इतिहास के सबसे कठिन दिनों में भी यूरोप, अफ्रीका और एशिया से आए लोग, उनकी भाषाएं और उनकी संस्कृतियां एक साथ इस धरती पर वास कर रही है, वो भी एक ऐसे समय में जब गिरमिथिया मजदूरों की भाषाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। उस समय से आज तक ये देश एक बहुत मुश्किल और लंबी यात्रा करके अपने वर्तमान तक पहुंचा है, जहां पूरी दुनिया हमें लोकतंत्र और शांति की मिसाल के रूप में देखती है। अनेक संस्कृतियों का ऐसा खूबसूरत गुलिस्ता जहां सभी न केवल एक साथ रहते हैं बल्कि अपने रंगों और खुशबू को एक दूसरे के साथ बांटते भी हैं। हिंदी हमारी उसी विरासत का हिस्सा है और हमसे पहले अनेक पीढ़ियों ने इस देश में उसको उचित स्थान दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किए हैं। आज इस मंच से मैं उन सभी को धन्यवाद भी करना चाहूँगी। भाइयों और बहनों, भाषा बातचीत या कम्युनिकेशन का माध्यम तो है ही, लेकिन उसका महत्व इससे कई अधिक होता है। एक भाषा, विशेष रूप से एक मातृभाषा, व्यक्तिवित के निर्माण का बहुत अहम हिस्सा है। भाषा न केवल हमें बनाती है बल्कि खुद हमारे अस्तित्व के हिस्सा भी बन जाती है।
आज मेरे लिए आप सबको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी हमारे लिए केवल एक भाषा नहीं बल्कि एक पूरी जीवन दर्शन है, एक दर्शन जिसमें उदारता और सहनशीलता है, जिसमें इंसान को सभ्य बनाने वाली वो अहिंसा है जिसको महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया में फैलाया। इसलिए हिंदी हमारी संस्कृति की संवाहिका है। आज हम सभी को प्रयास करना होगा कि हिंदी और उससे जुड़ी इस संस्कृति को, उसके मूल्यों को हम पूरी दुनिया में फैलाए दें। मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदी इस संसार को एक बेहतर जहां बनाने में खास भूमिका निभा सकती है। हिंदी मानवता की समझ को बेहतर बताते हुए पूरी दुनिया को एक साथ जीने का रास्ता सिखा सकती है। हिंदी एक विश्व भाषा बन गई है। इसका कारण उसका साहित्य है और मीडिया और टेक्नोलॉजी की प्रगति भी है। इन सब के साथ साथ हिंदी को विश्व भाषा बनाने में सहयोग देते हैं डायस्पोरा देश और उनकी जनता। हमें इस बात पर गर्व है कि अप्रवासी समाज दुनिया में हिंदी का पहला दूत रहा है और आज भी मॉरिशस और डायस्पोरा के देश हिंदी के विश्व यात्रा में अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि यह सम्मेलन डायस्पोरा देशों की ताकत से हिंदी की शक्ति को बढ़ाने पर विचार करें। मैं आपके सामने बस एक उदाहरण रखूंगी। मॉरिशस के लोगों के पास भारतीय भाषा है और उनके साथ अनेक भाषाएं भी हैं। इसी के बल पर हम अंग्रेजी बोलने वालों को भी हिंदी सिखा सकते हैं और फ्रेंच भाषी देशों को भी। हम फ्रांकोफोन देशों और अफ्रीकी कंटिनेंट में हिंदी को पहुंचाने में विशेष भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए हमारी और ओर से प्रयास हो रही है और इस कोशिश में आप सभी की सहयोग भी चाहिए। भाइयों और बहनों, मॉरिशस के जाने माने कवि मालकम दु शाजाल कहते हैं कि शब्द जीवित होते हैं, उनको मिलाया जा सकता है, बदला जा सकता है और उनसे संगीत बन सकता है, उन्हीं से चित्र भी बन सकते हैं। याद रखें कि हर शब्द विशिष्ट है और शब्द ही जीवन का चमत्कार है। कवि की बात की गहराई में जाते हुए समझें तो शब्द और भाषा दोनों जीवित होते हैं, इसलिए दोनों ही हमेशा बदलते रहते हैं। अब ये भी समझना होगा कि एक भाषा जितनी ज़्यादा ग्लोबल होती है उसके अंदर उतना ही बदलाव होता है और उस बदलाव से उसमें उतनी ही ज़्यादा विविधता आती है। आज देश विदेश में हिंदी के इतने रूप देखते हुए हम आश्चर्य होते हैं। इस सम्मेलन में आए सभी विद्वानों से मैं यह कहना चाहूँगी कि हिंदी के ये अलग अलग रूप हिंदी की सुंदरता भी है और उसकी शक्ति भी। इसलिए हमको यह कोशिश करना चाहिए कि सभी की हिंदी अपने पहचान बनाए रखे और साथ में ग्लोबल हिंदी का सुंदर हिस्सा भी बने। देवियों और सज्जनों, महात्मा गांधी ने कहा है कि एक राष्ट्र की संस्कृति उसकी जनता के हृदय और आत्मा में बसती है। इसलिए आज हम इस सम्मेलन में साहित्य से लेकर टेक्नोलॉजी तक की सभी विद्वानों के ज्ञान और अनुभव का योगदान चाहेंगे ताकि हम सभी मिलकर ये रास्ता खोजें कि सभी देशों में हिंदी को जनता के हृदय और आत्मा में कैसे बसा जाए। अगला पड़ाव क्या होगा? शिक्षा मंत्री होने के नाते मेरे लिए सबसे पहली मंजिल होगी भाषा की समझ और उसकी पकड़ को बेहतर बनाना। भाषा तो बेतानीर है, इसलिए कोई उसमें कितना भी माहिर हो जाए उसका पार नहीं पा सकता। भाषा की गहराई में उतरने की, उसकी आत्मा को पहचानने की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। भाषा पर पकड़ मजबूत होने के बाद अगला कदम होगा उसको बांटने का।
क्योंकि बांटना उसी को जा सकता है जो पहले अपना हो। भाषा को अपना मानकर बांटेंगे तो उसके साथ हमारे प्यार, हमारे जोश और हमारे जुनून भी लोगों में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करके उन लोगों के लिए हमारी भाषा, हमारी संस्कृति की खजाने के दरवाज़ा खोलेंगे। आइए भाइयों, भाइयों और बहनों, इस सम्मेलन में एक साथ काम करते हुए, एक दूसरे के विचारों को बांटते हुए, विद्वानों की तरह सहमत और असहमत होने की अनुमति देते हैं, लेकिन इन सब से ज़्यादा अपनी भाषा को नया जीवन, नई ऊर्जा देते हैं। आइए हिंदी की बांसुरी को जादू दुनिया में फैलाते हैं, हिंदी का रस अपने जीवन में घोलते हैं और अपने अन्य मूल्यों की तरह अपनी भाषा का प्रेम भी दूसरों में बिखेरते हैं। करती हूँ, धन्यवाद, नमस्कार। मॉरिशस के शिक्षा व मानव संसाधन मंत्री माननीय श्रीमती लीला देवी दुकान लक्ष्मण जी को स्वागत भाषण के लिए हार्दिक धन्यवाद। आपका ये सहयोग है कि इस 3 दिनों के अंदर हम सब, ये पूरा सभागार हिंदी के विस्तार का, हिंदी की आत्मसंतुष्टि का, हिंदी के आत्मविश्वास का और हिंदी के स्वाभिमान का परिचायक बनेगा। हम सब इसके साक्षी होंगे और यहाँ हिंदी में समाहित सांस्कृतिक संपदा के अनेक परिपाश खुलेंगे। इस 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन की समूची परिकल्पना भारत की विदेश मंत्री माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी की थी। यह उन्हीं की दृष्टि और सृष्टि का परिणाम है। माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने अपने कर्म, सिद्धांत, आचरण और सार्वजनिक प्रतिबद्धताओं, राजनीतिक प्रतिबद्धताओं में भारतीय संस्कृति और भाषा को पूर्णता में जिया है। अपनी भाषा को, अपने राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को आत्मिक स्तर पर जीने वाली माननीय सुषमा स्वराज जी को मैं सम्मेलन की प्रस्तावना और अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। Ladies and gentlemen, the Minister of External Affairs of India, Honorable Srimati Sushma Swaraj ji, will now present the opening statement of the 11th World Hindi Conference. Mauritius ke mananiya Pradhan Mantri श्री प्रवीण जगन्नाथ जी, मॉरिशस के मार्गदर्शक मंत्री मेंटर मिनिस्टर श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी, इस सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी, गोवा की राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा जी, मॉरिशस के उप प्रधानमंत्री वेलू जी, मॉरिशस के विदेश मंत्री विष्णु जी, भारत में विदेश मंत्रालय में मेरे सहयोगी राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी और हमारे गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वत जन, हिंदी सेवी और हिंदी प्रेमी भाइयों और बहनों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस सम्मेलन की तरफ से आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस मंच पर खड़े हुए मेरे मन में 2 भाव एक साथ उभर रहे हैं। पहला भाव शोक का है, क्योंकि इस सम्मेलन पर अटल जी के निधन की छाया है। पर दूसरा भाव इस संतोष का भी है कि इस सम्मेलन के बहाने आज समूचे हिंदी विश्व के प्रतिनिधि अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस सभागार में उपस्थित हैं। हमने उद्घाटन सत्र के तुरंत बाद
अटल जी के निमित्त श्रद्धांजलि सत्र रखा है, जिसमें भारत और मॉरिशस के अलावा अन्य देशों से आए हुए प्रतिनिधियों को भी हम श्रद्धांजलि देने का अवसर दे रहे हैं। मित्रों, विश्व हिंदी सम्मेलन की यात्रा 43 वर्ष पुरानी है। 1975 में पहला सम्मेलन भारत में नागपुर में हुआ था, उसके बाद 1983 में और 2015 ट्रिनिडाड टोबैगो में, एक सूरीनाम में, और बाकी के 3 सम्मेलन एक अमेरिका में हुआ, एक ब्रिटेन में और एक साउथ अफ्रीका में। पिछली बार 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन जब मुझे करने की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि विदेश मंत्रालय को यह जिम्मेदारी भारत में सौंपी गई है, तो मैंने पुराने सम्मेलनों की समीक्षा की और उसमें यह पाया कि हमारे सम्मेलन अधिकतर साहित्य पर केंद्रित रहते थे, साहित्य की विधाओं पर केंद्रित रहते थे। तो एक विचार मैंने साझा किया अपने परामर्शदाता मंडल के साथ कि हमारे साहित्यकार बहुत उच्च कोटि की साहित्य रचना कर रहे हैं, हमारे हिंदी के कविगण बहुत उच्च कोटि की कविताएं भी लिख रहे हैं और भारतीय भी लिख रहे हैं, भारतीय मूल के प्रवासी भारतीय भी लिख रहे हैं, लेकिन अगर भाषा की समझ और बोल्य ही समाप्त हो जाएगी तो इस साहित्य को पढ़ेगा कौन, इस कविता को गाएगा कौन, इस साहित्य को भावी पीढ़ियों को सौंपेगा कौन। इसलिए आज जरूरत है भाषा को बचाने की, जहां बची हुई है वहां भाषा को बढ़ाने की। और एक और चिंता मैंने व्यक्त की, भाषा की शुद्धता को बरकरार रखने की। तो हमने निर्णय किया कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भाषा पर केंद्रित होगा और मुझे प्रसन्नता है कि हमने 12 सत्र उसमें बनाए, सभी भाषा से संबंधित थे, भाषा को बचाने से संबंधित थे, संरक्षण के लिए, भाषा को बढ़ाने के लिए, संवर्धन के लिए केंद्रित थे और भाषा की शुद्धता को भी बचाने के लिए केंद्रित थे। क्योंकि अगर लुप्त हो रही है भाषा तो बचाने की जिम्मेदारी भारत की है, बढ़ाने की जिम्मेदारी भारत की है। और अभी अभी आपने जो एनिमेशन फिल्म देखी उसका ध्येय यही था, भारत ने वो जिम्मेदारी संभाली है। पिछली बार का सत्र आपको याद होगा, हमने विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभंकर लोगो रखा था, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। इस बार हमने कहा हम रखेंगे मोर और डोडो, मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी डोडो। तो किसी ने कहा कि डोडो तो लुप्त हो गई, तो मैंने कहा इसीलिए रख रहे हैं कि लुप्त होती हिंदी का प्रतीक है डोडो, लेकिन भारत का मोर आएगा और उसे बचाएगा। इसीलिए आपने एनिमेशन फिल्म में देखा कि जैसे ही डोडो डूबने लगती है तैसे ही मोर आवाज देता है, डोडो डोडो, और अपने पंख फैला लेता है जिस पर आकर डोडो बैठती है, और जब बच जाती है तो दोनों नृत्य करते हैं। आवाज आती है, 1+1=2 नहीं, 1+1=11। और भारत इस जिम्मेदारी को बखूबी संभालेगा, ये विश्वास देने के लिए मैं आपके सामने आज इस मंच पर खड़ी हुई हूं। इस बार हमने सोचा कि सम्मेलन को भाषा से आगे के पड़ाव पर ले जाया जाए, संस्कृति, और इसीलिए इस बार का हमने विषय रखा हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति। भाषा का गौरव होने के साथ साथ संस्कृति का गौरव जरूरी है, लेकिन अगर भाषा लुप्त होने लगती है तो संस्कृति के लोप का बीज उसी दिन रख दिया जाता है। मुझे खुशी है कि आज भी गिरमिटिया देशों में
संस्कृति का गौरव कायम है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुझे आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले मिला, और इसी मॉरिशस की धरती पर मिला। मैं मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन की तैयारियों का जायजा करने के लिए आई थी, तो प्रधानमंत्री जी ने, प्रवीण जी ने कहा कि रात का खाना इकट्ठे खाते हैं। हम करीब 10 लोग थे, इकट्ठे भोजन कर रहे थे। उसमें एक व्यंजन था खिचड़ी। तो जैसे ही खिचड़ी मेज पर आई तो एकदम प्रवीण जी बोले, खिचड़ी, दिस इज प्रिपेयर्ड इन आर होम ऑन एवरी संक्रांति, यू रिमेंबर प्रवीण जी? तो मैंने कहा, हमारे यहां भी संक्रांति पर खिचड़ी बनाई जाती है, हर संक्रांति पर, और पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है। मैंने कहा, सुदूर दक्षिण भारत में त्योहार का नाम ही पोंगल है, और पोंगल खिचड़ी के व्यंजन को ही पोंगल कहते हैं। पंजाब में माघी संक्रांति को त्योहार का नाम खिचड़ी है, पूरे भारत में खिचड़ी मनाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ बनाती है खिचड़ी, मगर मैंने अपनी पत्नी को कहा है कि तुम सीखो, हर संक्रांति पर मुझे खिचड़ी खानी है। ये है, वो अभी भी मुझे बैठे हुए कह रहे थे दैट आई एम फ्रस्ट्रेटेड दैट आई डोंट नो मच हिंदी। लेकिन भाषा की को न जानने का एक फ्रस्ट्रेशन, एक निराशा, लेकिन संस्कृति के गौरव को बचाने की छटपटाहट जो मुझे उनमें उस दिन दिखाई दी कि मैंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम सीखो, मुझे हर संक्रांति पर खिचड़ी खानी है। तो भाषा और संस्कृति एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए हमने एक सत्र रखा है, भाषा और संस्कृति के अंतर संबंध। और जो सबसे ज्यादा इसे जानती हैं श्रीमती मृदुला सिन्हा, जो इसकी पुरोधा हैं, उनको हमने उसका अध्यक्ष रखा है। इसी तरह से हिंदी शिक्षण और भारतीय संस्कृति, मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान को बधाई देना चाहूंगी कि बाहर के बच्चे आते हैं उनके यहाँ हिंदी शिक्षण के लिए, लेकिन केवल वो उन्हें हिंदी की वर्णमाला या थोड़ी बहुत हिंदी बोलना नहीं सिखाते, उन्हें भारतीय संस्कृति सिखाते हैं, जिसका सीधा परिचय अभी आपको मिला। ये जो 5 बच्चियां बहुत ही शुद्ध उच्चारण के साथ मंत्रोच्चार कर रही थी और सरस्वती वंदना का गायन कर रही थी, वो 5ों बच्चियां भारत और मॉरिशस के अलावा अन्य देशों की थी। वो थाईलैंड की थी, वो श्रीलंका की थी। वो 5ों बच्चियां केंद्रीय हिंदी संस्थान की छात्राएं रही हैं, वहां उन्होंने ये भारतीय संस्कृति सीखी। वो उसी वेशभूषा में बहुत ही शुद्ध भाषा में मंत्रोच्चार कर रही थी। इसीलिए हम भाषा से संस्कृति तक आए हैं, और इस बार के हमारे 8ों सत्र संस्कृति के निमित्त हैं। पिछली बार के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के बाद मैंने ये भी पाया, सत्र होते थे, चर्चाएं होती थी, अनुशंसाएं होती थी, लेकिन उसके बाद उस पर कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं होती थी। तो हमने तय किया, पहला तो ये तय किया कि इन तमाम अनुशंसाओं को मात्र 6 महीने के अंदर संकलित करके हम प्रकाशित कर देंगे, क्योंकि मैंने देखा था कि 3-3 वर्ष बाद जब अगला सम्मेलन आता था तब अनुशंसाएं प्रकाशित की जाती थी। और ये काम हमने सौंपा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा को, श्री गिरीश्वर मिश्र जी को, कि आप 6 माह के अंदर इनका संकलन कर दीजिए। और मैं आज आभार व्यक्त करना चाहूंगी गिरीश्वर जी के प्रति, जिन्होंने मात्र 6 महीने में समय से पूर्व उनको संकलित करने का काम किया। फिर हमने एक अनुशंसा अनुपालना समिति बनाई और 12 के 12 सत्रों के अनुशंसाओं का 12 लोगों में बांटा। हर 3 महीने पर निरंतर बैठक की, सिवा उस समय के जब मेरा अपना स्वास्थ्य खराब हो गया था। आपको मालूम है अंदर बाहर अस्पताल के थी, किडनी प्रत्यारोपण हुआ था। उस वक्त को छोड़कर जैसे ही वापस जिम्मेदारी संभाली, फिर बैठकों का निरंतर सिलसिला शुरू हो गया। और आज हमें खुशी है कि हम केवल मौखिक तौर पर नहीं, लिखित रूप में एक पुस्तक आपको सौंपेंगे, जिसका लोकार्पण अभी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, भोपाल से मॉरिशस, जिसका संपादन श्री अशोक चक्रधर जी ने किया है। और एक एक कार्यवाही
जो जो जिस जिस अनुशंसा पर की गई है वो उसमें लिखी गई है, बहुत ही सुंदर पुस्तक बनी है। मैं अशोक चक्रधर जी को इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। वो पुस्तक आपको मिलेगी। वो सत्र हमने परिवर्तित कर दिया है श्रद्धांजलि सत्र में, इसलिए अलग अलग कार्यवाही आपको सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन आप लेकर जाएंगे पुस्तक को तो पढ़ने को मिलेगी। पर मैं इतना ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगी कि जो काम हमें सौंपा गया था 1975 से दो अनुशंसाएं हर विश्व हिंदी सम्मेलन लगातार कर रहा था। एक, विश्व हिंदी सचिवालय का अपना भवन होना चाहिए और वो सुचारू रूप से काम करना चाहिए, और दूसरा, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को अधिकृत भाषा बनाना चाहिए। आज मुझे खुशी है आपको ये कहते हुए, विश्व हिंदी सचिवालय का भवन केवल पूरा ही नहीं हुआ है, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने आकर स्वयं अपने कर कमलों से उसका लोकार्पण किया है और वो बहुत सुचारू रूप से काम कर रहा है, क्योंकि एक स्थायी अधिकारी हमने वहाँ नियुक्त कर दिए हैं। मेरी आप सबसे ये प्रार्थना रहेगी कि अपने इस यात्रा के दौरान आप विश्व हिंदी सचिवालय का भवन देखने ज़रूर जाइए। और जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को अधिकृत भाषा बनाने का संबंध है, कुछ बाधाएँ उसमें हैं, क्योंकि एक तिहाई बहुमत चाहिए, वो जुटाना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 129 देशों का समर्थन चाहिए। अगर हम 177 देशों का समर्थन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जुटा सकते हैं तो उससे ज़्यादा हिंदी के लिए जुटा सकते हैं। लेकिन कठिनाई केवल यह है कि उस पर आने वाला व्यय उन तमाम देशों को देना होगा जो समर्थन करेंगे, उनमें बटेगा, यहाँ कठिनाई आ जाती है। यदि संयुक्त राष्ट्र ये नियम बना ले कि जो देश अपनी भाषा को अधिकृत करवाना चाहता है पूरा व्यय वो वहन करेगा, तो हम कल हिंदी को अधिकृत भाषा बनवा दें। मैंने तो संसद में कहा था कि 40 करोड़ नहीं 400 करोड़ का भी अगर खर्च होगा तो हम देने को तैयार हैं संयुक्त राष्ट्र में अधिकृत भाषा बनाने को। लेकिन उनके यहाँ ये नियम नहीं है। जापान ने ये कोशिश की, जर्मनी ने कोशिश की, उनके यहाँ ये नियम नहीं है। वो कहते हैं कि सभी को व्यय बांटना होगा। लेकिन तब तक आज बहुत प्रसन्नता के साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमने एक और रास्ता निकाला है। अब संयुक्त राष्ट्र से हर सप्ताह हिंदी में समाचार प्रसारित हो रहे हैं और समापन सत्र में हम वो आपको सुनवाएंगे। अभी हर शुक्रवार को ये प्रसारित होते हैं, लेकिन उन्होंने हमको एक चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि हम 2 बरस तक इसको देखेंगे। अगर हिंदी विश्व के लोग ये समाचार लगातार देखते हैं तो हम अवधि धीरे धीरे घटाते जाएंगे और बाद में दैनिक तक भी ला सकते हैं। तो ये काम अब हम पर आया है, ये जिम्मेदारी हम पर आई है कि हम कितना उस समाचार को देखते हैं और वो उसकी रेटिंग लेंगे, देखेंगे कि कितने लोग इसको देख रहे हैं। अगर वाकई उनको ये पता चलेगा कि इसके दर्शक बहुत ज़्यादा हैं विश्व में, तो उसकी अवधि घटती चली जाएगी और बाद में दैनिक भी हो सकती है। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र ने अपना ट्विटर अकाउंट हिंदी में खोल दिया है, वो अपनी पोस्ट हिंदी में कर रहे हैं। अब हम सब पर ये जिम्मेदारी है कि हम जो समाचार सुने उस पर टिप्पणी करें अपने ट्विटर के माध्यम से। हम और कुछ लिखना चाहें, संयुक्त राष्ट्र को कोई सुझाव देना चाहें, वो दोनों चीज़ें हम समापन सत्र में आपको दिखाएंगे। वो समाचार भी आप सुनेंगे जो इस सप्ताह 17 तारीख को, कल का जो बुलेटिन है वो बुलेटिन हम आपको परसों सुनवाएंगे 20 तारीख को, और वो ट्विटर अकाउंट भी दिखवाएंगे। ये छोटी सी रिपोर्ट मैंने इसलिए केवल आपके सामने रखी कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन एक अलग ढंग का सम्मेलन था। विषय वस्तु अलग थी, उसका केंद्र अलग था और उसकी अनुशंसाएं अलग थीं, लेकिन वो अनुशंसाएं कहीं रख नहीं दी गईं, फाइलों में बंद नहीं कर दी गईं। एक एक अनुशंसा पर कार्यवाही हुई है, जिसकी लिखित रिपोर्ट हम आपको भोपाल से मॉरिशस पुस्तक के दौरान देंगे। और इसी तरह से इस बार के जो 8 सत्र हो रहे हैं, जो भाषा और संस्कृति के संबंधों को लेकर हैं, आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे से सहभागी बनिए। अभी जब हम प्रवेश कर रहे थे तो मंच संचालिकाएं आपको बता रही थी कि वो 8 सत्र कौन से हैं, 4 सत्र आज कौन से होंगे, 4 सत्र कल कौन से होंगे। अपनी अपनी रुचि के अनुसार आप उन सत्रों में भाग लीजिए। जो भी अनुशंसाएं आप लोग देंगे,
एक एक अनुशंसा पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, हम लोग फिर से अनुशंसा अनुपालना समिति बनाएंगे, हर अनुशंसा पर कार्यवाही होगी और उसके अगले 3 वर्ष बाद जो विश्व हिंदी सम्मेलन होगा उसमें वो कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। वो योगदान आपका होगा, आप जो चर्चा में भाग ले रहे हैं उसका होगा। हमने 2 खंडों में रखा है हर सत्र को। पहले सत्र में कुछ वक्ता बोलेंगे जो पहले से तय हैं, लेकिन दूसरा खंड पूरी तरह आपका है, आप बोलेंगे। वरना होता क्या था, लोग आते थे, भाषण सुनकर चले जाते थे, लेकिन वो प्रतिभागियों का सत्र है, वो आप लोगों का सत्र है, और उसमें आप जो अनुशंसाएं देंगे उसकी रिपोर्ट 20 तारीख को यहाँ प्रस्तुत की जाएगी आप ही के सामने। आपके द्वारा दी गई अनुशंसाएं यहाँ 20 तारीख को पढ़ी जाएंगी, उनका वाचन होगा और उसको हम अपनी झोली में लेकर जाएंगे आगे की कार्यवाही करने के लिए, और उस पर भी उसी तरह से कार्यवाही होगी जिस तरह से भोपाल के सम्मेलन में हुई है। ये सम्मेलन बहुत ही सफल होगा, इस पर अटल जी का आशीर्वाद भी है। हिंदी के पुरोधा जिन्होंने सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी को स्थापित किया था, उनको और उनके चरणों में मैं नमन करती हुई, उनकी स्मृति को नमन करती हुई मैं एक बार पुनः आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आकर आपने इस विश्व हिंदी सम्मेलन को सफलता प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मेलन प्रस्तावना प्रस्तुत करने के लिए माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी को कोटिशः धन्यवाद। अब मैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री माननीय श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ जी से आग्रह करती हूँ कि वे कृपया उद्घाटन उद्बोधन प्रस्तुत करें। मे आई नाउ इनवाइट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस Honorable Shri Praveen Kumar Jagannath Ji to deliver the opening address. Shrimati Sushma Swaraj, Minister of External Affairs, Republic of India. Shri Keshari Nath Tripathi, Governor of West Bengal, Republic of India. Srimati Mridula Sinha, Governor of Goa, Republic of India. Sri Abhay Thakur, High Commissioner of the Republic of India. My colleague ministers and members of the National Assembly, ministers of state from the Republic of India, members of the diplomatic corps, academics and delegates from different countries, ladies and gentlemen. Sabhi ko mera namaskar. Is Hindi Mahasammelan mein aap sabhi ka swagat hai. मैं हिंदी में बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, कुछ कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, उनको इस भाषा के प्रति मेरा प्रेम समझना। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस मॉर्निंग आई हैव अ स्पेशल फोर्ट फॉर श्री अटल बिहारी वाजपेयी। With his passing away, we mourn the loss of a great son of India and a dear friend to Mauritius. Sri Vajpayee will be remembered as a master orator, a global thinker, a Desh Bhakt and a Desh Sevak. His love of the Hindi language, his ability to craft words, and the unique manner of address which Sri Vajpayee had stirred passion and instilled hope in millions. As had been rightly pointed out before by the High Commissioner of India to Mauritius, the 11th World Hindi Conference could not be a better tribute to Sri Vajpayee. Mauritius
was fortunate to have Sri Atal Bihari Vajpayee as a friend, and this friendship took the relations between our two countries to new heights that significantly contributed to shaping the economic and cultural landscape of Mauritius. He effected numerous visits to Mauritius, and we remember each of these visits more particularly when he visited us as chief guest in the year 2000 for the celebration of the National Day. Under his prime ministership, India lent strong support to the foundation of the first cyber city in Mauritius. We initiated the first steps towards the negotiations of the Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement, as well as the construction of the Swami Vivekananda International Convention Center, where we are now today, the Rabindranath Tagore Institute, and the Indira Gandhi Center for Indian Culture, which he inaugurated. We would like Sri Vajpayee's name and legacy to endure in Mauritius. Ladies and gentlemen, I am honored to inform you that the cyber tower which he contributed to set up in Mauritius will henceforth be named as the Atal Bihari Vajpayee Tower. Ladies and gentlemen, allow me to warmly welcome you to this unique gathering of eminent academics and Hindi lovers. A very special warm welcome to Srimati Sushma Swaraj, Minister of External Affairs of the Republic of India. We also warmly welcome the governors of Goa and West Bengal and the ministers of state from India. I need to heartily thank guests who have taken the time and made the sacrifice to come from very far for this conference. We have speakers and delegates from the United States of America, Canada, Russia, Australia, France, Japan, Korea, Germany, Bulgaria, Fiji, New Zealand, Suriname, Guyana, and South Africa, amongst others. Ladies and gentlemen, we are delighted to have the privilege of hosting the 11th edition of the Vishwa Hindi Sammelan here in Mauritius. May I express my deep gratitude to His Excellency, Sri Narendra Modi Ji, and to the Indian government for providing us with this opportunity to reaffirm our commitment and to further develop Hindi and expand its global reach. Hamari dharti par Hindi ka ye maha sammelan jo ho raha hai, Bharatiya diaspora ke sabhi deshon ko ek saath lane wala sundar manch hai. The main theme of this 11th edition of the World Hindi Conference is Hindi Vishwa aur Bharatiya Sanskriti. It should therefore be a forum for reflections that will chart the way forward for an effective use of Hindi in preserving and transmitting the great Indian culture. The event should also allow the Indian diaspora to showcase its linguistically defined identity as well as its sense of belonging to the language. Hindi scholars, writers, and laureates coming from all parts of the world will be presenting well-researched papers on the ageless Indian culture, or Bharatiya Sanskriti.
At the same time, they will be brainstorming to see which policy orientations will need to be adopted to further the cause of Hindi. It is also an opportunity for all of us to strongly support the various movements that are contributing to the evolution of the language and helping people of Indian descent to connect with their cultural heritage. Distinguished guests, the growth and development of Hindi as a full-fledged language has been taking place during the last 1,000 years. And in fact, Hindi, being a direct descendant of Sanskrit, can claim a cultural and literacy heritage that dates back at least 3,000 years. And over the centuries, it has been open to several other languages. And this exposure has helped Hindi evolve into rich composite language. Hindi not only has a rich past, but has a bright future as well. The passion and enthusiasm demonstrated by the large number of Hindi scholars gathered here under this roof is a testimony of faith in the future of the language. Hindi is studied in some 600 universities in 40 countries today. Moreover, it has chalked out its place in the high-tech communication sector. Hindi has its place on the international platform. In India, Hindi is emerging as a universal lingua franca, and a new breed of writers have chosen to write in this language of peace and love. I am convinced that the World Hindi Secretariat, established here and inaugurated by the President of the Republic of India, Sri Ramnath Kovind, in March this year, will add momentum to the promotion of Hindi as an international language. Ladies and gentlemen, one major objective of the World Hindi Secretariat is to make Hindi recognized as an official language at the United Nations. With over 500 million speakers across the world, one can safely say that Hindi is poised to gain official language status at the United Nations. This will no doubt enhance its stature among languages and contribute to a greater use of Hindi. Already, India's growing economic, political, and cultural importance has significantly enlarged Hindi's global sphere of influence. And earlier this year, Hindi rose to new heights on the snow-clad mountains of Davos when Sri Modi ji delivered his keynote address at the opening session of the World Economic Forum. His speech in Hindi was a source of pride and recognition for the language. His message signaled to the world that one can embrace globalization while remaining culturally rooted. We appreciate that India believes in a multicultural world and a multipolar world order, and at the same time, it maintains its interest in the rich history of poetry and ideas expressed in Hindi. I wish to put on record that for us in Mauritius, Indian languages, and especially Hindi, have been a strong and powerful connector with Indian culture, literature, and values. We cherish this close bonding deep from our heart. And I was pleased to learn that only 2 days ago, Indian filmmaker Kunal Kohli announced in Mumbai that his movie, Ram Yug, which is a big screen adaptation of the great epic
Ramayan will be shot entirely in Mauritius. The fact that India's most popular and timeless Indian epic is being shot on our land brings another proof of the deep-rooted connection between our two countries. Bharat aur Mauritius ke beech mein hamesha ek majboot rishte qayam rahe. The first Hindi newspaper published in Mauritius was named Hindustani. It started in 1907 and became a vehicle for the expression of discrimination and prejudice suffered by the indentured laborers brought to Mauritius from British India to toil our lands. There have been sustained efforts over the decades in Mauritius to give Hindi its rightful place. Teaching of Hindi started initially in the Baith caste system, where values, Indian culture, along with folk culture and Hindi would be disseminated at a one single place. Since 1994, Hindi is taught as a subject in our primary schools on the same footing as English, mathematics, French, and other ancestral languages. And today, Hindi is taught at secondary and tertiary levels as well. Government has set up a Hindi-speaking union to which it is lending unflinching support. The union is playing a pivotal role along with other socio-cultural organizations in the promotion of Hindi across the country. With those words, I wish you all fruitful deliberations and sincerely hope that this conference will have significant global spin-offs that will help unlock the yet untapped potential of Hindi. Thank you. Dhanyavad. Jai Mauritius. Jai Bharat. Jai Hindi. प्रधानमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद. आई विल नाउ काइंडली इनवाइट द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू मूव टू द सेंटर ऑफ द स्टेज फॉर द लॉन्चिंग ऑफ द फर्स्ट डे कवर. मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रवीण कुमार जगनाथ जी से अनुरोध है कि वे पुनः मंच पर सामने आए. We have the pleasure in also inviting the chairperson and the chief executive officer of Mauritius Post to join the prime minister on stage. Mauritius ke 11th Vishwa Hindi Sammelan ko स्मरणीय बनाने के लिए मॉरिशस पोस्ट द्वारा दो डाक टिकटें तैयार की गई हैं जिनका विमोचन किया जा रहा है. दो अत्यधिक इन दो डाक टिकटों में दोनों देशों के झंडे और मोर एवं डोडो पक्षी मॉरिशस एवं भारत की गहरी मित्रता व अनोखे संबंध दर्शाते हैं. टू डिलाइटफुल पोस्टेज स्टैम्प्स विद द फ्लैग्स ऑफ मॉरिशस एंड इंडिया ऑल्सो द पिकॉक एंड द डोडो which depict the deep friendship and bilateral relations between the two countries. I will request the Prime Minister to remain on stage.
इस सम्मेलन के अवसर पर इस डाक टिकट का निर्माण हुआ है। All right, so these were the live visuals from Mauritius, where the 11th World Hindi Conference commenced this morning. Prime Minister of Mauritius, Pravind Kumar Jugnauth, inaugurated the conference. And in the morning, the dignitaries paid homage to former Prime Minister of India, Atal Bihari Vajpayee. And in her speech, External Affairs Minister Sushma Swaraj stressed on making Hindi the official language at the United Nations. Hindi, world and Indian culture is the theme of the conference. We'll keep getting you all the updates from that conference. Time for a very short break. We'll be back.